हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि हम इतना ज़्यादा इनर वर्क करते हैं और काफ़ी टाइम से हम इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है कि हमारा रीयूनियन डिले होता है, या फिर हमारी कहीं शादी फिक्स हो जाती है, या उस बीच में डीएम की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम तो पूरे अच्छे से ईमानदारी से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, फिर क्यों डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं? तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हैं या इसे फॉलो करते हैं, तो फिर आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होगा और इसे कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियाँ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका रीयूनियन डिले तो हो रहा है, साथ में आपके डीएम की शादी भी हो रही है, वो थर्ड पार्टी में भी जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है तो पहले तो हम स्टार्टिंग में जो भी अपना इनर वर्क करते हैं वो डीएम के लिए करते हैं। ये बात फैक्ट है, सभी डीएम करती हैं, मैंने भी किया था और आप लोग भी करते हैं। कि जब हमारा सेपरेशन होता है तो उस वक्त हमें फील होता है कि कोई तो ऐसी चीज़ हमें मिल जाए, या कुछ भी ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जहाँ पे हम उसे करके अपने डीएम को वापस अपनी लाइफ में ला सकें, ठीक है। तो हम बहुत सारी टेक्निक भी यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी प्रेयर भी करते हैं, बट उसके बाद भी कुछ भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फिर हमें पता चलता है इस जर्नी के बारे में और हमें बताया जाता है कि आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने इशू को, अपने कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रीयूनियन अपने डीएम के साथ होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सारे डीएफ को ये लगता है कि जो भी हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डीएम के लिए कर रहे हैं ताकि वो आ जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम अपना इनर वर्क करने लगते हैं, 6 मंथ हो गए, 1 ईयर हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल, ठीक है, उस टाइम के बीच आप खुद ये फील करते होंगे, काफ़ी डीएफ ये फील करती होंगी कि अब मुझे अपना डीएम नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में बस ग्रोथ हो जाए, या मैं जो चाहती हूँ अपना सोल पर्पस, या जैसी मैं अपनी लाइफ चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, बाकी मेरा डीएम जहाँ पर भी रहे खुश रहे। जो क्रेविंग आपको स्टार्टिंग में होती है अपने डीएम के लिए, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाती है, ठीक है। ये सारी बातें डीएफ समझ सकती है जो मैं बोल रही हूँ, ये आप लोगों के साथ भी होती होगी। क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस जैसे जैसे होने लगती है, हमारी क्रेविंग डीएम के लिए धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और जो हम स्टार्ट करते हैं इनर वर्क अपने डीएम के लिए, कहीं ना कहीं वो डिवाइन की तरफ झुकने लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन चाहिए, हमें डिवाइन से मर्जिंग चाहिए, या फिर हमें अपने असली घर जाना है। क्योंकि आप लोगों को पता चलता है कि आप स्टार सीड हैं या फिर अलग अलग आप स्टार सिस्टम से आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर रहना पसंद नहीं आता है, या आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है बाकी लोगों के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को मन करता है, काफ़ी डीएफ बहुत ज़्यादा रोती भी हैं, पर्जिंग भी होती हैं, डिप्रेशन में भी जाती हैं और बोलती हैं कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है, मुझे अपने असली घर जाना है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप बैलेंस जब होते हो तो उसके बाद आपको जो करना है अपना इनर वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, और जो आपको अपना सोल पर्पस करना है उसके लिए आप बहुत सारी मेहनत करते हैं, एबंडेंस के लिए आप मेहनत करते हैं ताकि आपके लाइफ में एबंडेंस आए, मनी ब्लॉकेज रिमूव हो, तभी जाके आप अपना सोल पर्पस कर सकेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब हम इनर वर्क करते हैं तो अपने डीएम के लिए करते हैं, बट वो धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं कि हम कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हैं वो डीएम के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं, और उस वक्त डीएम के लिए कोई भी क्रेविंग होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो डीएम इनर वर्क करने के बाद भी बैलेंस नहीं होती हैं, या फिर उनको लगता है कि हम इस जर्नी पे हैं तो हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ डीएम के साथ ही होगी। अगर आप लोग ये डील करते हैं यूनिवर्स से स्टार्टिंग से एंड तक, यानी कि जब भी आप अपना इनर वर्क करते हैं, उस टाइम तो होता ही है, सारी डीएफ ये बोलती हैं कि मेरी शादी मेरे डीएम से ही होनी चाहिए, लेकिन इनर वर्क करने के बाद भी 6 मंथ 1 ईयर तक आप लोग सिर्फ यही बोलते आ रहे हो कि मेरी शादी मेरे डीएम से ही होनी चाहिए, और जो भी मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ वो डीएम को वापस पाने के लिए कर रही हूँ,
उसकी शादी कहीं पर भी ना हो उसके लिए मैं अपना इनवर्क कर रही हूँ। तो मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, तो उन डीएफ के साथ चीज़ें क्या होती हैं कि उनके डीएम थर्ड पार्टी में भी जाते हैं, उनकी शादी भी थर्ड पार्टी से होती है और आपकी भी शादी किसी और से होती है और रीयूनियन भी आप लोगों का डिले होता है। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्स के सामने ये डील रखोगे कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं अपने डीएम के लिए कर रही हूँ ना कि डिवाइन के लिए, तो फिर क्या करेंगे यूनिवर्स, वही चीज आपसे दूर हटाएंगे। और ये चीज फैक्ट है, जितना आप किसी के पीछे भागोगे, भले वो डीएम हो या फिर कोई भी, आप अपने घर में पेट ले आओ या कोई भी ऐसा एक इंसान जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पागल हो या पूरी एनर्जी आप वहाँ पे लगा रहे हो, बिल्कुल अटैच्ड हो गए हो, तो वो इंसान आपसे दूर हट जाएगा। यूनिवर्स खुद उन्हें हटा देंगे आपकी लाइफ से, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जर्नी पे ध्यान दीजिए। और यही एक रीज़न होता है आप लोगों का रीयूनियन डिले होना या फिर डीएम की शादी कहीं और हो जाना, क्योंकि आप लोग एक कहीं ना कहीं डिवाइन से डील कर रहे हो कि मुझे अपना डीएम ही चाहिए, मुझे अपनी जर्नी से अपने सोल पर्पस से कुछ मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने डीएम के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आप लोगों को ना अपना सोल पर्पस दिखता है और ना ही अपने मदर की हीलिंग करनी है और ना ही आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने की आप कोशिश करते हो। तो जब आप ऐसा करोगे नहीं और जिस मकसद से आप यहाँ पे आए थे, जो भी आपने यूनिवर्स से प्रॉमिस किया था कि मैं जब यहाँ पे आऊँगी तो मैं अपना पर्पस करूँगी, ठीक है, डीएम तो मुझे मिल ही जाएंगे, अगर आप सही में इस जर्नी में हैं तो आपको डीएम मिलेगा ही, आपका रीयूनियन होगा ही, बट आप ये डील क्यों करते हो कि मुझे मेरे डीएम से ही शादी करनी है। बहुत सारे ये डीएफ बोलती हैं कि मैं जर्नी में हूँ, मतलब मेरी शादी मेरे डीएम से ही होनी चाहिए। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप इस जर्नी में हैं तो आपकी शादी आपके डीएम से ही होगी। क्यों, जिन डीएफ की शादी पहले से हो चुकी है और शादी के बाद वो अपने डीएम से मिल रही हैं, और अगर उनका डीएम अनमैरिड है, ठीक है, अगर मान भी लो उनका डीएम भी मैरिड है, तो फिर उस सिचुएशन में वो क्या करेंगी? क्या जर्नी ये हमें इसीलिए दी गई है कि हम सब कुछ छोड़ के हम अपने डीएम के पास चले जाएं? तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। हमको कोई भी इस तरीके से एक्शन नहीं लेना है जहाँ पे किसी को हम परेशान करें। जब जो होना है डिवाइन इंटरवेंशन में वो हो जाएगा। अगर आप पहले से सोच के परेशान हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो और बोल रहे हो कि ये जर्नी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कल के वीडियो में एक डीएफ ने कमेंट भी किया था कि 2-3 सालों तक इनवर्क करें हम और सारी चीज़ें हम रिलीज किए, उसके बाद भी डीएम थर्ड पार्टी में गए हैं, उनकी शादी हो गई है और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा कि ये जर्नी फेक होती है, सब कुछ झूठ होता है। तो देखिए, जिस सिचुएशन में वो हैं, अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा है तो मुझे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही बुरा लगा है। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अगर आप 3 सालों तक इनवर्क कर रहे हो उसके बाद भी आप बैलेंस नहीं हुए हो, अगर जो आप ये कमेंट कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं इस जर्नी को झूठ बोल रहे हो क्योंकि आपके डीएम की शादी कहीं और हो गई, तो फिर आपने काम क्या किया है खुद पर? क्योंकि मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि अगर आप 1 साल तक भी अच्छे से काम करते हैं खुद पर, तो आप इतने अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं कि अगर आपके डीएम की शादी कहीं और भी हो रही है तो आप उन्हें ब्लेसिंग ही दोगे, आप इस जर्नी को या डीएम को या यूनिवर्स को कर्ज नहीं करोगे। तो मतलब आपके ही इनवर्क में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या फिर आपका जो डीएम, जैसे आप डीएम बोल रहे हो, वो एक फॉल्स ट्यून था, क्योंकि इतना इनवर्क करने के बाद भी अगर आप लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ है, मीन्स वो फॉल्स ट्यून है। और ये भी हो सकता है कि वो अपने कर्मा क्लियरिंग करने गए हों थर्ड पार्टी के पास, ठीक है, क्योंकि जो डीएम की अवेकनिंग होती है उनके कार्मिक से ही होती है, इतना आपको पता ही होगा। बट आपकी एनर्जी देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप बैलेंस हैं, तो आपको खुद अभी काम करना है, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में हैं, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, आप इस जर्नी से बाहर निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए, जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर ही है, भले आप इस वीडियो को सुनेंगे तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट ये फैक्ट है।
जो डीएफ अपने ऊपर 2-3 साल तक काम कर रही हैं, वो कभी भी ये नहीं लिखेगी कि ये जर्नी फेक है। वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगी, उनका अबंडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, वो सबको हील करेगी। तो शायद आप में ही अभी तक कुछ कमी है डीएफ, उसको हील करिए, रिलीज करिए। बाकी देखिए, मेरा काम है समझाना। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है कि किस तरीके से आप इसे आगे लेके चलते हैं। बट एज अ मेंटोर जो हम एनर्जी पिक करते हैं, एक एक डीएफ के मैसेज पढ़ के हम रीड कर लेते हैं कि वो किस एनर्जी में है। ठीक है डीएफ, तो मेरा मकसद किसी को हर्ट नहीं करना था। और जब भी किसी से भी आप सच सुनोगे तो थोड़ा आपको कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि जैसे जैसे आप अपना इनर वर्क करते हैं, वहाँ पे डीएम के लिए क्रेविंग खत्म होने लगती है। एक प्यार जो है वो हमेशा रहेगा डीएम के लिए, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो अनकंडीशनल लव में चेंज हो जाएगा। जहाँ पे आप स्टार्ट में चाहते थे कि डीएम आ जाए, शादी हो जाए, बट धीरे धीरे वो अनकंडीशनल लव में चेंज हो जाएगा। बट इसके बाद भी काफ़ी डीएफ ये बोलेंगी कि हम यहाँ पे तपस्या करें, ठीक है, हम अपना इनर वर्क करें और डीएम वहाँ पे मस्ती करें, इंजॉय करें। तो मैं उन डीएफ को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को दिन भर इनर वर्क करने के लिए कौन बोल रहा है। जो भी आपका प्रॉपर इनर वर्क है, आप वो करिए और 3D लाइफ को इंजॉय करिए। बस आपको कर्मा क्रिएट नहीं करना है, जो पहले आप करते थे, गॉसिप करना, किसी के बारे में बुराई करना, किसी के साथ गलत करना, वो सब हमें नहीं करना है। और ये मतलब नहीं कि हम इस जर्नी में हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम बिल्कुल साधु संत बनकर बैठ जाएं, ठीक है, तपस्या करें, किसी से बात नहीं करें, ना किसी से मिले। तो ये जर्नी हमें नहीं सिखाती है। जैसा आपको मन कर रहा है वैसा करिए, जो आपकी सोल बोल रही है, जहाँ जाना है, घूमना फिरना है, सब कुछ करना है, बट कर्मा नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको ठीक करने के लिए आप सोल्यूशन ढूंढिए। और जो भी डीएफ अभी डीएम पर कहीं ना कहीं स्टक है, वो अपने ही इशू को ध्यान नहीं दे पा रही है कि मेरे इशू क्या है, उसको हील कैसे करना है। फिर आप लोग कहते हैं कि मेरा मनी ब्लॉकेज हील नहीं हो पा रहा है, मेरा ये फियर का इशू कम नहीं हो पा रहा है, मेरे डीएम आ नहीं रहे हैं, वो कैसे आएंगे। तो यही बात आप लोगों से कहना था कि जो भी आप लोगों का रीयूनियन डिले हो रहा है, या डीएम थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, या उनकी शादी हो रही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसे हो रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप पूरे तरीके से बैलेंस हो गए हो, आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो गई है, उसके बाद भी आपका रीयूनियन डिले हो। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग भी मिस्टेक कर रहे हो। पहले तो एनर्जी वहाँ पे बहुत भेज रहे हो, आपकी खुद एनर्जी बैलेंस नहीं है। दूसरी ये चीज़ें हो सकती हैं कि उनके जो कर्मा है थर्ड पार्टी में जाके क्लियर होंगे, यानी कि शादी होके ही क्लियर होंगे, इसलिए उनकी शादी हो रही है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न, अगर आप फर्स्ट उनके साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पर भी वो पर्सन जाएगा और आप लोगों को कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि हम अगर फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हैं तो हमें साइन क्यों देखने के लिए मिलते हैं, हमें एंजल्स नंबर क्यों दिखते हैं, हमें ड्रीम में डीएम क्यों दिखते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही चीज़ें हमें दिखाता है जो हम सोचते हैं या हम दिन भर चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में 11-11 नंबर है, आपको लगता है कि मुझे ये नंबर दिखे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही दिखाएगा कि 11-11 देखो। अगर आप 2-3 बार डीएम का नाम देख लिए हो और ये सोच रहे हो कि मुझे मेरे डीएम का नाम बहुत दिख रहा है, और फिर आप कहीं ना कहीं सर्च करोगे, ठीक है, नाम क्यों दिख रहा है, चलो यहाँ पर भी मुझे नाम दिख जाए, या कुछ और भी चीज़ें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको फिर से वही चीज़ें दिखाएगा, ठीक है। तो नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन पर बिल्कुल भी मत जाइए, इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम आधा हमारा वैसे ही निकल चुका है, इन्हीं नंबरों में हम पड़े रहेंगे तो कब हम अपनी जर्नी को पूरी करेंगे, कब हम अपना सोल पर्पस करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एनर्जी देखनी है कि अभी भी क्या आप पूरे तरीके से बैलेंस हुए हो या नहीं, ठीक है डियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। और अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है डियर,
तो ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है, जिस तरीके से आपको लेके जाना है आप लेके जाइए। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, देखिए आपकी एनर्जी जैसी भी है ना, तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट्स मत किया करो इस जर्नी के बारे में या डीएम के बारे में। तो इससे क्या होता है, जो बाकी डीएफ कमेंट पड़ती है ना, तो थोड़ा वो निगेटिव हो जाती है कि क्या पता मेरा भी रीयूनियन हो या ना हो, मेरे डीएम की शादी कहीं और ना हो जाए, और फिर वही चीज़ वो मैनिफेस्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जर्नी को लेके कोई भी ऐसे निगेटिव कमेंट्स मत करें, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।